إله بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين أما بعد فقد قال امام الصادق عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم لا تطلبوا اربعه من الدنيا ولا تجدوها ولا تبقى لك منها صلوات محمد وعلى محمد सलवात का सवाब हासिल कर और अकवाल
दोस्ती के ताल्लुक से नहजुल बलागा और दीगर कुतुब में कसरत से मौजूद है। खुद नहजुल बलागा में जो मौलाए कायनात के इरशादात हैं उसमें एक दो इरशाद गिरामी आपकी समातों को हदिया कर रहा हूँ और आप इन इरशादात अरबी का इस्तकबाल करें, समातों को आमादा करके खैर मुकदम करें। जाहिर है कि इमामुल कलाम कलामुल इमाम, इमाम का जो कलाम होता है वो इमाम होता है ना। तो अभी जैसे इमाम का कलाम है मैं उसका तर्जुमा उर्दू में कर रहा हूँ और जहाँ नागुजीर होगा अगली बार मैं भी पढ़ूंगा। तो मौलाए कायनात ने दोस्ती के लिए इशारा करवाया नहजुल बलागा ने कि जिसकी दोस्त ना हो, देखिए नफसियाती बात है, नाजुक बात है, कीमती बात है, ये मजलिस का वो नुक्ता नहीं है जो शेर की तरह गरज कर पाए, बल्कि ये वो बातें हैं कि जिसे बड़ी खूबसूरती से सुकून से पढ़ा जाए और सामने इफ़ान तफ़हीम के मराहिल से गुजार कर उसे जहन नशी करें ताकि समाज और माशरे में ये चीजें बरूबे कार आ सके। आका जी इशारा फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि जिसके पास दोस्त न हो उसके लिए वतन भी मुसाफिरत है। आप इस पर बात करते हैं सुनते हैं, मैं जहां से बोलूंगा मैं जोर लगाऊंगा ये सब चीजें बस इस तरह होने की। आप इसी तरह इस पर बात करें और यकीनन मुझे बड़ा इत्मीनान रहता है आपके दरमियान खिताबत करते हुए। तो जिसके दोस्त ना हो उसके लिए वतन भी मुसाफिरत। एक और तौर नहजुल बलागा ही में आता है कि सबसे बड़ा बदनसीब वो है कि जो दोस्त ना फराहम कर सके। सुनते जाए ना आपको बोलना ना बोलना था कुछ लोग बहुत आराम से सुनते हैं तो कैसे कहूँ कि उन्हें दूसरी कर रहे हैं। हो सकता है अभी आम आदमी में अपने को मशरूफ रखे हो लेकिन सभी इंशाल्लाह बोलेंगे। इसलिए कि इसमें मजलिसन वाली जलालपुरी का कोई कमाल नहीं है, आपकी समातों का कमाल है। मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बड़ा बदनसीब हुआ है कि जो दोस्त न फराहम कर सके और उससे भी बड़ा बदनसीब वो है कि जो दोस्त पाने के बाद छोड़ दे। मौला कायनात का इरशाद है इसी नहजुल बलागा में तीसरा कौल में नहजुल बलागा का कौल है। आका अली ने दोस्ती के ताल्लुक से इसी नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया कि दोस्ती करो मगर दोस्ती में एहतियात रखो। इतनी धीमी आवाज में पढ़ने वाला लफ्ज ही था, दोस्ती करो मगर जरा परहेज और एहतियात के साथ, इसलिए कि मुमकिन है जो तुम्हारा दोस्त हो है वो कहीं दुश्मन बन जाए। दोस्ती से दोस्तों से दोस्ती में एहतियात करो, नजाकतों को पेश नजर रखो, मुमकिन है कि तुम्हारा कभी ये दुश्मन बन जाए। और दुश्मनी में भी एहतियात करो इसलिए कि जो दुश्मन जिससे तुम दुश्मनी ओवर कर रहे हो सकता है वो कभी तुम्हारा दोस्त बन जाए। डॉक्टर बशीर बद्र ने शायद इसी कौले मौला अली को पेश नजर रख के शेर कहा था कि दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश है, दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश है, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना, जब कभी हम दोस्त बन जाएं काबिले फख्र सामईन लायक 27 सामईन। अर्ज करो आपकी खिदमत में कि दोस्ती वो हसास शय है कि अल्लाह ने अल्लाह हो के भी अपना दोस्त बनाया। देखें क्या रुख है इस तारीख के, अल्लाह ने अल्लाह हो के भी बेनियाज खुदा ने गनी परवरदिगार ने गनी हो के बेनियाज हो के
अपना एक दोस्त बनाया है और उसके दोस्त का लकब है खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, और उसके दोस्त का नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और हमारा जनाब इब्राहिम से अल्लाह से जो रब्ता रहा है पूरी लाइफ में, वो नबुव्वत और रिसालत के हवाले से कम और दोस्ती के हवाले से ज्यादा रहा है। आप तारीख उठा के देखें, चुनांचे जब मलकुल मौत को अल्लाह ने भेजा है अपने दोस्त इब्राहिम के पास, तो ये नहीं कि अल्लाह ने भेजा नबी के पास, बल्कि दोस्त ने भेजा दोस्त के पास मलकुल मौत को, और कहा जाके मेरे दोस्त की रूह कब्ज कर लाओ, मलकुल मौत इब्राहिम की रूह कब्ज कर लाओ। तो मलकुल मौत आया है, और जब आया तो फिर पहचान नहीं सके इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि ये मलकुल मौत। तो उसने अपना तारुफ कराया, मैं मलकुल मौत हूं। असल में किसी की शनाख्त के लिए भी हमेशा अली की नजर चाहिए। अली के मुकाबले में अरे गैरे को लाने की सही मजमून करते हैं, जब अली के मुकाबले में अंबिया नहीं ठहर पाते तो फिर अरब के बच्चे कहां से ठहरे। और सुन रहे तो मैं डालू मौत आया क्या, मैं बिल्कुल मौत हूं, और आपके दोस्त ने आपकी रूह कब्ज करने के लिए ले जाए, यही अल्लाह ने, वो अल्लाह का लफ्ज नहीं, आपके दोस्त ने आपकी रूह कब्ज करने के लिए भेजा। तो जनाब इब्राहिम ने तो ये कह के मलकुल मौत को वापस कर दिया। देखें आप मलकुल मौत का जनाब इब्राहिम भी नबी का जाके मेरे दोस्त से कहो अल्लाह से कि दोस्त कहीं दोस्त की मौत भी चाहेगा। आप देखें एक नफ्सियाती पहलू है ना, दोस्त कहीं दोस्त की मौत भी चाहेगा। अब चाहे कि अल्लाह उससे बड़ा साहिब तदबीर कौन, उसने फिर फौरन मलकुल मौत को भेजा, कहा मेरे दोस्त इब्राहिम से जाके ये फौरन कहो कि ये दोस्ती का क्या मेयार है, कि दोस्त दोस्त की मुलाकात करना चाहे और दोस्त मुलाकात के लिए तैयार है। सलामान अगर मोहम्मद मुलाकात के लिए तैयार ना, तो बहरहाल दोस्ती नागुजीर है समाज और माशरे में, तहजीब और कल्चर और सोसाइटी में, मोहल्ले में, बस्ती में, शहर में कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए दोस्तों का होना जरूरी है। अब जाहिर है कि दोस्त भूत के खुले कैसे रहेंगे, है ना, कुछ कमी होगी, कुछ कमी होगी, कुछ खामी होगी, तो चश्म पोशी तरगुजर माफ करना, ये सारी चीजें जो है वो जरूरी है ताकि दोस्ती बरकरार रहे। बहादुर शाह जफर ने कहा कि कांटों को मत निकाल चमन से ए बाबा, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। ये खुशी महसूस कर रहा हूं कि
फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करना करता कि भाई घंटा किसी तरह पढ़ दे, ऐसा हमारा मन नहीं सोचता, नहीं पूरा हफ्ता इंसान इंसाफ के साथ बयान करने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए अस निवारक पढ़ रहा हूँ, तो मकसद तो ये दोस्ती की कैफियत जो इस हदीस में है उसे पेश करो, मगर इसी हदीस में चंद बातें और भी हैं तो वो भी सवाबन सुन लें, वो भी तबर्रकन सुन लें। फरमाया सादिते आले मोहम्मद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, बड़ी लाजवाब हदीस है, फरमाते हैं कि ला तकदुबू अरबअतम मिनद दुनिया वला तजदो वला उत्तलका वला, तुम इस दुनिया में चार चीजों को कतई तलाश न करना, चाहे जितना ढूंढोगे तलाश करोगे वो चार चीजें तुम्हें मिलेंगी नहीं, जबकि उन चार चीजों का तुम्हारे लिए होना भी जरूरी है। भाई यही बातें कितनी कीमती है, इमाम की यही जुमले यही फरमुदा यही इरशाद यही जुमला कितनी कीमती है कि ला तकदुबू अरबअतम मिनद दुनिया, तुम इस दुनिया की चार चीजों को बिल्कुल तलाश न करना, पाओगे नहीं लाखों को वला खुदा का बिना, मगर उन चार चीजों का तुम्हारे लिए होना भी जरूरी है, पाओगे भी नहीं होना भी जरूरी है। और हमारा अल अव्वल, अल अव्वल बनाया आलिमन युस्तामिलो इल्मन फतबअह बिला आलिम, तुम इस दुनिया में ऐसा आलिम न तलाश करो जो हर कमी और हर ऐब से पाक हो, वरना बगैर आलिम के रह जाओ। जबकि नजमो नसक हयात को जारी और सारी रखने के लिए आलिम का होना जरूरी है, आलिम न होगा निकाह कौन पढ़ेगा, आलिम न होगा नमाज बैयत कौन पढ़ेगा, आलिम न होगा क़याम जमात कैसे होगा, आलिम न होगा इस्तिखारा कौन देखेगा, आलिम न होगा शरई मसाइल कौन बताएगा। इसीलिए इमाम ने फरमाया आलिमन युस्तामिलो इल्मन फतबअह बिला आलिम, इस दुनिया में तुम ऐसा आलिम कतई न ढूंढो जिसमें कोई कमी न हो कोई कजी न हो, वरना बगैर आलिम के रह जाओगे, जबकि आलिम का होना जरूरी है। यह और बात है कि जो आलिम है वो अपने तौर पर खुद ये एहतियात करे कि हम आलिम हैं तो हत्तल इम्कान उन चीजों से परहेज करें जो आलिम की शान के खिलाफ होगा। हम हत्तल इम्कान जरा हरदम गलियों में चलने से परहेज करें, हम आलिम हैं तो हरदम होटलों में बैठने से परहेज करें, हम आलिम हैं तो अवामी जिंदगी गुजारने से जरा एहतियात करें, कुछ पर्दे में रहें घर में बैठे रहें कम दिखाई दें गैर मरई बने रहें, मजहबी एतबार से है ना, ताकि कर्म करें मुताया करें कुरान
कुछ तालीम पर गौर करें, ये सारी चीजें जरूरी है। तो आलिम को अपनी शान का खुद तहफ्फुज़ करना चाहिए, और अगर आलिम में कोई कमी है वो भी तो इंसान वगैरह, तो रखो माफ है ना। तो आलिमन युस्तान इल्मन तफक्का बिला आलिम, इस दुनिया में ऐसा आलिम न ढूंढो जिसमें कोई कमी ना हो, वरना बगैर आलिम के रह जाओगे, जबकि आलिम का होना हर बात पर मुझे रुक के 10 मिनट लेना चाहिए, मगर मुझे 1 घंटे की मजलिस पढ़ना बहुत तेज आगे बढ़ना चाहता हूँ। दूसरी चीज बस सारी ऐसा अमल करने वाला कतई न ढूंढो जिसमें हर रुख से हर एतबार से खुलूस ही खुलूस हो, वरना समाज और माशरा बगैर अमल के रह जाएगा, और अमल का होना जरूरी है ताकि समाज और माशरा तरक्की कर सके। हदीस की कीमत आप देख रहे हैं कितनी अनमोल, लड़ाई किस पर मुझे रुकना चाहिए लेकिन और तशरीह करना चाहिए, मगर फिर बहुत तेज आगे बढ़ा। फिर तीसरी चीज इरशाद फरमाया साबित आले मोहम्मद ने कि वतआमन बिला शुबहत फतबका बिला ताबिल, तो इस दुनिया में ऐसा खाना न ढूंढो जो जाहिरी और बातनी एतबार से ताहिर हो और हलाल हो 100%, वरना बगैर काम के रह जाओगे, जबकि जीने के लिए खाना जरूरी है। मैं यहां रुक रहा हूं, थोड़ा सा आपको इस्तेमाल किया होगा जल्दी तो जाहिर है ना। वो ताआमन बिला शुबहते फतबका बिला ताआमिन, देखे आप इमाम क्या फरमाते हैं कि तुम इस दुनिया में ऐसा काम ऐसा खाना पान पानी ना तलाश करो जो हर तरह के हुरमत से कराहियत से पाक हो, वरना बगैर काम के बगैर खाने पीने के रह जाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप बोलते रहिएगा ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जो खा रहे हो या पी रहे हो बस ये चेक करो कि जाहिर में पाक है कि नहीं, बातिन में पाक होना और इसका जायजा लेना ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। वरना हिंदुस्तान में 1 कप चाय भी नहीं पी सकते अगर ये बहस करने लगे कि ये बातिन में भी चाय पाक है कि नहीं, तो फिर बहस करो कि इसकी शक्ल जो है किस दिन में बनी है, वहां कितने गैर मुस्लिम काम कर रहे हैं, ये तेल हम सर पर रख रहे हैं कि किस फैक्ट्री का बना हुआ है और उसमें कितने गैर मुस्लिम हैं कितने मुस्लिम हैं, तो फिर न सर पर तेल रख सकते हैं, न एक कप चाय पी सकते हैं, न फना चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, न दाल का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, न परचून इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वजह है ना बुलाने मोहतरम। लेकिन यह तुम्हारी बस जिम्मेदारी है कि तुम जाहिरी तौर पर देखो कि हलाल है कि बातिन में भी हर एतबार से हलाल हो, इसका चेक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाहिर में देखो कि पाक है कि नहीं, बातिन में पाक होना 100%, इसका जायजा लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे ताम की जरूरत हर अहले बैत के लिए कि वो जाहिर में भी पाक हो, बातिन में भी पाक हो, जाहिर में भी हलाल हो, बातिन में भी हलाल हो। और कभी दुनिया में अगर ऐसा खाना ना मिले जो हर एतबार से ताहिरो अतारो मुतहर हो, तो अल्लाह पर वाजिब है कि हम अहले बैत की निगाह जन्नत से ला दे। सलाम मोहम्मद, फतबका बिला सदीक
तुम इस दुनिया में ऐसा दोस्त न ढूंढो कि जिसमें कोई ऐब न हो, वरना बगैर दोस्त के रह जाओगे, जबकि दोस्त का होना जरूरी है। जिंदगी की खूबसूरती के लिए दोस्त का होना जरूरी है। तो ऐसा दोस्त न ढूंढो कि इसमें कोई ऐब ना हो। अच्छा, ऐब भी नहीं है तो ऐब निकालने में क्या है? निकाल दिया जाए। कौन कहता है कि खालिद में कोई ऐब नहीं? दुनिया में कौन जैसा जिस पर आप बोले, कौन कहता है कि खालिद में कोई ऐब नहीं? एक यही ऐब है कि उसमें कोई ऐब नहीं है। कोई आयत ना हो, कोई खराबी ना हो, कोई खामी ना हो, तो मगर अब वो क्या है कि मिजाज है, सहल है कि साहब प्यार उससे किया जाए, दोस्ती उससे की जाए कि जिसमें कोई आयब ना हो। तो गया इमाम का एक इशारा भी शायद है कि अगर तुम बेआयबी से मोहब्बत करना चाहते हो तो हम अहले बैत से मोहब्बत करो जिसमें कोई आयब नहीं, आए तबीर का पहरा। दोस्ती का दर्द सुनने के बाद आपके जहन में कोई नाम आया? दोस्ती का दर्द सुनने के बाद फौरन जहन में हबीब इब्ने मजाहिर का नाम हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मजाहिर, जिन्होंने दोस्ती का हक अदा किया और दोस्ती के तकाजों को आसमान तक पहुंचा। हबीब इब्ने मजाहिर जिनकी अजमत, जिनकी शान, जिनकी जलालत के लिए ये बात काफी है कि आलम ने ख्वाब में देखा था शहीद करबला हबीब मजाहिर को, तो जाहिर है बहुत खुश थे। जन्नत में कौन खुश नहीं रहेगा? तो वहां की बहारें, वहां की नेमतें, वहां के फल, वहां का दूध, वहां की शहद, वहां का कौशल का पानी, वहां की आबो हवा, तो बहुत खुश थे। और ये ख्वाब देखा है आलिम ने, तो आलम ख्वाब ही में पूछा अल्लामा हुसैन बख्श ने, अल्लामा हुसैन बख्श ने ख्वाहिश है। अच्छा, सब तो दुनिया से जन्नत में जाना चाहते, तो ख्वाही में सही, मगर सवाल ही अजीब है ना भाई। लोग तो दुनिया में रहे कि जन्नत में जाना चाहते, और पूछ रहे हैं कि जन्नत में रहते हुए दुनिया में आने की कोई ख्वाहिश है? तो सवाल करने वाले ने सोचा था कि यही कहेंगे कि नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं भाई, जन्नत में आने के बाद क्या ख्वाहिश रहेगी। मगर हबीब इब्ने मजाहिर ने कह दिया, हाँ एक पहलू है दुनिया में आने की ख्वाहिश का। तो वो खाली में चौके आने के दिन कहा, अच्छा हबीब इब्ने मजाहिर शहीद करबला दुनिया में आने की भी ख्वाहिश है जन्नत में रहते हुए? तो ख्वाहिश की बुनियाद पर है, तो एक बुनियाद है कि दुनिया में जाऊं ताकि मजलिसे हुसैन में चले जाए। यह है फर्श अदा की अजमत, यह है मजलिसे हुसैन की। तो हुसैन के बचपन के दोस्त को अभी कितने मजाहिर करते हैं दोस्ती हो रहा, ये वो अभी हुसैन के दोस्त हैं कि जिनके वालिद गिरामी का नाम है मजाहिर। और एक मरतबा जनाब मजाहिर ने रसूलुल्लाह को दावत दी और ये शर्त रखी थी कि या रसूलुल्लाह तनहा ना आइए, अपने दोनों नवासों को मेरे साथ लें। तो हबीब इब्ने मजाहिर तो अपने बचपन ही से हुसैन से मोहब्बत करते थे, आगे ये होता था कि हुसैन जिस रास्ते से दूर
गुजरते बिना उस रास्ते से गुजरते हुए हुसैन के पैर के तलों की खाक को उठा के अपने सर पर मानते हो। और इसीलिए रसूलुल्लाह हबीब से भी रसूलुल्लाह के सहाबी है ना, हबीब इब्ने मजाहिर रसूलुल्लाह के सहाबी है, अली के शागिर्द है, हुसैन के दोस्त है, करबला के शहीद है, हुसैन की जबान से फकीह है, ये सारे शर्म जिसे हासिल हो उसे हबीब कहते हैं। तो बहरहाल वो दावत कबूल कर ली रसूलुल्लाह ने और कहा कि ठीक है मैं नवासों को लेके आऊंगा। तो इतनी मोहब्बत थी हुसैन से हबीब को कि वो चाहते तो जमीन में इंतजार करते, बाहर निकल के इंतजार करते अपने दोस्त का, रसूल का, इमाम रसूल का, मगर छक पचा गए, छक पचा गए जनाब हबीब। और जब छत पर चढ़े तो फरते मोहब्बत में इंतजार की शिद्दत के रद्द अमल में एक मरतबा पैर फिसल गया और जनाब हबीब छत से गिर गए और जब गिर गए तो मर गए। और अभी रसूलुल्लाह आए नहीं, अभी रसूलुल्लाह बैतुल शरफ से चले, अब जो मर गए हबीब। तो जनाब मजाहिर ने अपने बेटे को एक खुजरे में जाके लेटा और चादर मस्जिद पर डाल दी। यहां तक कि दो चार दस मिनट के बाद जनाब रसूल खुदा अपने नवासों को लेकर आए तो खाने की दावत थी, दस्तरखान लगा दिया, रोटी आ गई, जो भी था नमक आ गया, सब कुछ आ गया। और जनाब मजाहिर ने कहा रसूल्ला बिस्मिल्लाह शहजादो बिस्मिल्लाह, इस पे इमाम हुसैन बोल पड़े नाना से, नाना मैं तो बगैर अपने दोस्त को साथ में लिए नहीं खाऊंगा। तो शाने शाने दोस्ती देखिए रोजगारी में, मैं बगैर अपने दोस्त को लिए खाना न खाऊंगा। तो रसूल ने पूछा कि आखिर कहां है कभी, तो कहा ठीक है आपको खाना खा ले या रसूला फिर भी मालूम हो जाएगा क्या बात है। कहा नहीं बताना तो पड़ेगा इसलिए कि मेरा नवासा बगैर हबीब के खाना नहीं खाएगा। तब जनाब मजाहिर ने कहा कि आप लोगों के इंतजार में वो छत पे गया मेरा बच्चा हबीब और फरते मोहब्बत में मरतबा पांव फिसल गया, वो छत से गिर पड़े और उसी वक्त मौत वाकई हो गई। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैयत कहां है अभी, कहा फला हुजरे में तो सामने गुजरा, वहां रसूल नहीं है, इमाम हसन नहीं है, हुसैन है, साहिबे कुन फयकून है। साहिबे कुन फयकून हुसैन है। अच्छा और अजीब जुमला इशारा फरमाया हुसैन ने, अभी अजीब जुमला इशारा फरमाया, मेरे दोस्त दोस्त तुम्हारे घर आया है और मुलाकात न करोगे, इतना जुमला मैयत हबीब से साहिब कौन ने कहा कि मर्तबा हबीब, ये कहते हुए खड़े हो गए अस्सलाम अलैका या हुसैन। अब सब बोलने के लिए तैयार हो जाए सुभान अल्लाह कहने के लिए, मैदान से नवाइश के लिए नहीं, अजमत हुसैन को सब बोलने के लिए तैयार हो जाए। हबीब इब्ने मजाहिर को दो जिंदगियां मिली, एक जिंदगी अल्लाह की अता की हुई, एक जिंदगी हुसैन की अता की। ये हुसैन ने जिंदा कैसे किया, असल में सूरह अनफाल में इरशाद हुआ कि मुझे सलूक का अभी रूह और रूह हो मिन अमर रब्बी, मेरे अजीब लोग तुमसे पूछा करते हैं कि रूह क्या है, तो तुम कह दो रूह है अमर रब, अल्लाह का अमर, रूह अल्लाह का अमर, रूह की कैपेसिटी और हैसियत यह है कि वो अल्लाह का अमर, हुसैन साहिबुल अमर।
अम्र पर वाजिब है कि वो साहिबुल अम्र के हुक्म की अताअत करे। वो रूह जो जिसने हबीब से निकल गई थी, साहिब कुन और इन अम्र ने अम्र को हुक्म दिया कि जल्दी से रूहे जिसमें हबीब में दाखिल हो जा ताकि मेरा हबीब जिंदा हो जाए। तो ये शान है हबीब इब्ने मजाहिब की कि हबीब को दो जिंदगी, एक जिंदगी खुदा की अता करता, एक जिंदगी हुसैन की अता करता। और ये करबला के 72 शहीदों में हबीब का शरफ, देखा हर शहीद अजमत वाला, करबला का हर शहीद बाकमाल, मगर 72 शहीदों में सिर्फ हबीब इब्ने मजाहिब को ये शरफ हासिल है और ये कमाल हासिल है कि हुसैन ने जो खत लिखा था वो ये था कि ये खत है मिनल हुसैन इब्ने अली इलर रजुलिल फकी हबीब इब्ने मजाहिब, मर्द फकीर, रजुल फकीर, काबिल फख्र सामीन। मैं आपसे गुजारिश करूं कि गैबत इमाम में फुकहा की, फकीहों की एक तवील फहरिस्त, अगर आप कुछ नाम सुनना चाहते हैं तो मैं सुना दूं, सुना दूं। वो जो फकीर गुजरे हैं गैबत इमाम में अब तक, उनमें फकीर अहले बैत फकीह करार दिया।
मजलिसे उलमा का फकीह करार देना और बात है, ज़माने इमामत से किसी का फकीह हो जाना ये और बात। इमाम वक्त इमाम मासूम जिसे अपनी ज़बान से फकीह कहे उसे अभी इब्ने मज़ाहिर कहे। अच्छा जब अबीब को हुसैन ने फकीह करार दिया और कोई किरदार तो होगा ना करबला में जो बहसियत फकीह है अंजाम दिया हो जनाब अमीर इब्ने मज़ाहिर। अब आप देखिए फजील जो फजाइल पढ़ना था उसका तेवर देख रहे हैं, जरा जो मैं फजाइल पढ़ रहा हूं उसकी कुरान देख रहे हैं। इस वक्त हुआ ये कि करबला के बन ने 10 मुहर्रम को जंग जारी की, तीर बारानी हो रही कि इसी हालत इसी असलम इसी कैफियत इसी माहौल इसी सूरत हाल इसी पोजीशन में एक मरतबा चलती हुई पीरों के दरमियान हजरत अबू समामा सहतावी ने आसमान को देखा, देख के कहा मौला ये अव्वले वक्त नमाज है, जी चाहता है कि नमाज ज़ोर बजमात आपके पीछे अदा कर ले। हुसैन ने फौरन देखा आसमान को, उस वक्त घड़ी नहीं थी, उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, उस वक्त ऐसे आलात नहीं थे कि जो सही और भले वक्त नमाज ज़ोर कर तारीख और शनाख्त हो सके। नमाज मगरिब की शनाख्त आसान है, नमाज सुबह की शनाख्त उससे भी आसान है, मगर नमाज ज़ोर की शनाख्त बहुत मुश्किल होती है जो शरी शनाख्त है। अब तो घड़ी है, कोई मुश्किल ही नहीं, अब तो मुख्तलिफ आलात हैं, कोई दुश्वारी ही नहीं। आप सोचें उस वक्त वो भी करबला के बन गए तो जैसे कि उस हमारे सैदानी ने कहा कि मौला ये बड़े वक्त नमाज ज़ोर है, जी चाहता है कि हम आपके पीछे ये नमाज ज़ोर बजमात अदा करें। अब हुसैन इब्ने अली का जुमला सुना, उन्होंने सर अपना आसमान की तरफ उठाया, मौला का बेशक अबू समामा सैदावी ये अव्वले वक्त नमाज ज़ोर है और तुमने अव्वले वक्त नमाज ज़ोर की शनाख्त करके अपनी नजर को इमामत की नजर से मिला दिया। अपनी नजर को इमामत की नजर से मिला दिया। खुदा तुम्हारा शुमार नमाज गुजारों में परवाए, ये दुआ है इमाम हुसैन की अब समय से। और उसके बाद अब नमाज जमात का क़याम होने जा रहा है। इधर हुसैनी लश्कर से ये पेशकश हुई कि कम से कम क़याम नमाज जमात ज़ोहरैन की हद तक जंग रोक दी जाए, तीर बारानी का सिलसिला रोक दिया जाए। मगर उधर से जवाब ये मिला कि तीर बारानी का सिलसिला नहीं रुकेगा, आप अपने सिस्टम और निजाम से जैसे भी चाहे नमाज जमात ज़ोहरैन का क़याम कर ले। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, 10 मिनट बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए कि इस तरह के अनावीन अंदर सा बहुत जल्दी तय नहीं करते, ये तो जहाँ इतना मदद मिलती है आपकी समातों के हवाले से कि ये नाजुक और हसास और बहुत ऐसी चीज़ है कि जो बयान खिताबत में सिक्के लाके वक्त की हैसियत नहीं रखती, तो समातों को भी आपको जोर देना पड़ेगा और पढ़ने में भी हमें सफल के पढ़ना पड़ेगा। अब मैं अर्ज करूँ आपकी खिदमत में कि अब इमाम हुसैन ने सईद बिन अब्दुल्ला जमा और सुहैल इब्ने कैन इन दोनों से ये कहा कि तुम सामने खड़े हो के तीरों को रोकते रहो ताकि क़याम में नमाज जमात ज़ोर हो सके। हमारे मर्जे तकलीफ नायब इमाम सैयद अली हुसैनी सिस्तानी
हिंदुस्तान में मसलन तो टूर की मजबा जाएगा ना उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए, कितनी ख्वाहिश होगी कि हम सिस्तानी साहब के पीछे नमाज पढ़ें, हम वहीद खुरासानी के पीछे नमाज पढ़ें, चे जाए कि इमाम वक्त नमाज पढ़ा रहा है, तो बड़ी ख्वाहिश है ना। अच्छा उसमें जिनके रुतबे हैं सेवा उनको सेवा मुश्किल है। अब हबीब इब्न मजाही तो बचपन के दोस्त हैं, उन्हें कितनी तमन्ना होगी कि मैं ये नमाज इमाम वक्त और अपने बचपन के दोस्त के पीछे पढ़ूं। तब तकबीरतुल इहराम हुआ चाहिए, सफाए जमात की दुरुस्त है जोर की, और फिर मैं बार बार नहीं कहता कि तवज्जो चाहता हूं, या कहने की जरूरत ही नहीं, नाजुक मंजिल के एक मरतबा तकबीर हुसैन कहने जा रहे थे और हबीब भी सब में शामिल हुआ चाहते थे कि हसीन इब्ने नबीर की जबान से ये फिकरा निकला इस मलून और मर्दूद और शैतान और अजीम की जबान से कि हुसैन ठीक है तुम नमाज पढ़ लो पढ़ा लो मगर तुम्हारी नमाज ही कबूल कहां है। तो जो है ना अब इतने हौसले से इतने जज्बे से जो हबीब इब्ने मजाहिर इमाम हुसैन की इक्तदा में नमाज पढ़ने जा रहे थे सबसे निकल के आ गए और आन कर एक मर्तबा हसीन इब्ने नबीर पर टूट के जुमला का यही जुमला फकीह का किरदार है। जुमला कहा जा सब भाई बोलने के लिए तैयार, दूर होने का फायदा ना उठाए, मामला मेरा नहीं है, मामला शराफत समाज का है और मामला हुसैन इब्ने अली का है। यह जुमला बदल दूं आप जरा बोलने की कोशिश करें, इसलिए कि मामला मौलाना का नहीं है मौला का है। हुसैन मोहतरम सफेद जमात सोहरान से हबीब इब्ने मजाहिर निकल आए और हसीन इब्ने नबीर पर हमला करते हुए एक कयामत का जुमला कहा, ओ ना मालूम बाप के बेटे। कर्बला के बन में तस्दीक कर दी कि जो गुस्ताख है इमाम होता है वो हमेशा हराम जाता है। जो भी जब भी जहां भी जो भी जब भी जहां भी गुस्ताख मासूम बना है उसके हराम ज्यादा होने में कभी शक न कर और उसके हलाली होने की कोई गुंजाइश नहीं। मोहतरम हबीब ने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज तो हुई जमाज हबीब ने नहीं पढ़ी, मगर नहीं पढ़ी तो क्या नहीं पढ़ी? हबीब इब्ने मजाहिर ने नहीं पढ़ी नमाज तो क्या नहीं पढ़ी? असल में मसला यह है, ये सुने शरीयत में वाजिब की दो किस्में इन सूरतों में, एक वाजिब मुअस्सर एक वाजिब मुज़य्यब। वाजिब मुअस्सर उसात से बना है, ऐसा वाजिब जिसकी अदायगी की अदायगी में उसात हो। एक है वाजिब मुअस्सर मुज़य्यब जिसकी अदायगी में तंगी हो दिक्कत हो। जैसे सूरज कहने लग गया पता चला सिर्फ आधा घंटा के लिए लगा, एक बजे लगा, अब उस वक्त आप क्या करेंगे? आधा घंटे के लिए लगा, ये वाजिब है वाजिब मुज़य्यब नमाज आया, अब नमाज ज़ोहरैन नहीं अदा करेंगे अगले वक्त नहीं पढ़ा, अब नमाज आया पढ़े, इसलिए कि नमाज ज़ोहरैन का जो वाजिब है वो वाजिब मुअस्सर है, साढ़े पांच बजे शाम तक उसका वक्त है। गौर फरमा रहे हैं मोहतरम,
हबीब इब्ने मजाहिर के लिए करबला में दो वाजिब इकट्ठा हो गए, एक वाजिब नमाज सोहरे, दूसरा वाजिब नुसरत हुसैन। नमाज सोहर का वक्त वसी था, 5-6 घंटे का, मगर नुसरत इमाम का वक्त तंग था। अच्छा एक बात और कि करबला के मैदान में नमाज जोर क्यों हुई? जुमा का दिन था ना, आशुरा का दिन था, जुमा का। देखे मैं चाह रहा हूं कि मेरे अपने नौजवान सामीन को और सामीन को ज्यादा से ज्यादा मालूम हो, इसलिए आप एक घंटे के बयान को अगर फैलाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बड़े गहरे मुताले का निचोड़ है जो ये खतीब आपको सुना रहा है। करबला के बन में 12 अक्टूबर 680 बरोजे जुमा 10 मुहर्रम 61 हिजरी जो दिन था शहादत हुसैनी का, वो जुमे का दिन, इसलिए कि हुसैनी काफिला 2 मुहर्रम जुमेरात को करबला आया, और इसीलिए मैं जुमे जाकर मैंने खुद पढ़ा, अगर पढ़ा तो ठीक है कि इसीलिए हर महीने की पहली शब जुमा को जो जुलूस और मजलिस होती है नौचंदी जुमेरात, वो उसी याद में है कि हुसैनी काफिला 2 मुहर्रम बरोजे जुमेरात करबला आया है ना। नौचंदी के लफ्ज क्यों कहते हैं? नौचंदी हिंदी लफ्ज है दया चांद, इसी से नौचंदी। नौचंदी का ताल्लुक सिर्फ शिया से थोड़ी है, सुन्नी भी हमसे ज्यादा नौचंदी का प्रोग्राम करते हैं, हुकूमत भी नौचंदी को मानती है, इलाहाबाद से एक ट्रेन जाती है मेरठ उसका नाम ही नौचंदी इस तरह से। यानी जुमेरात की उसी याद में नौचंदी जुमेरात को अलम उठता है, नवाखानी होती है, मजलिस होती है, मातम होता है नौचंदी जुमेरात। तो अब 10 मुहर्रम को 8 दिन हो गए, हुसैन चूंकि मुसाफिरत में और मुसाफिर पर नमाज जुमा साकित है, इसीलिए इमाम वक्त की मौजूदगी में तो नमाज जुमा वाजिब है, मगर फिर भी एक कानून शरीयत है कि इमाम वक्त भी अगर मुसाफिर हो तो नमाज जुमा उससे भी साबित है। इसीलिए इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को कयाम नमाज जुमा के बजाय कयाम जमात नमाज जोर फरमाई, और शहीद तो जोहर तीनों को रोक रहे हबीब सफे जमात से निकल। अब दो जो वाजिब जमा हो, एक वाजिब मुजय्यम, एक वाजिब मौसम। जोर का वक्त हबीब के लिए वसी है, जिंदा रहेंगे तो 5-6 घंटे का टाइम, मगर नुसरत इमाम का वक्त है तब, नुसरत इमाम का जवाब देना है हसीन इब्ने नमीर के गुस्ताखाना जुमले पर। तो एक मरतबा और सुने, और एक बात इसको भी याद रखें कि शरीयत में एक नमाज है नमाज खौफ। सुनिए सुनी हो, मगर नमाज खौफ को आप रुसूल नवाब में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, तो जुबिल मसाइल में भी नहीं मिलेगी, मफाजिल जनान में भी ढूंढेंगे तो नमाज खौफ वगैरह कैसे बड़ी किताब है ना, हमने इसे बड़ी किताबों से अर्ज किया। नमाज खौफ, नमाज खौफ भी दो तरह की, जिसमें एक तरह की बात का मैं जिक्र जो मेरे मौजू का ताल्लुक है अर्ज करना चाहता हूँ। देखें अगर कोई डूब रहा है तो उसमें ही नमाज वाजिब है ना, उसमें नमाज खौफ वाजिब, जो डूब रहा जो चल रहा है उसमें भी नमाज वाजिब, जो जिसका दम निकल रहा है अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी है और होशो हवास में है तो उस पर भी वाजिब है कि वो होशो हवास में है तो नमाज अदा करे, अगर दम निकलने से पहले नमाज का वक्त आ चुका है। जो मैदान जंग में है उस पर भी वाजिब है कि वो नमाज पढ़े। अच्छा नमाज एक ऐसा वाजिब है
कि अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो। मगर नमाज एक ऐसा वाजिब है कि जो हर हाल में अदा करना जरूरी है, पोजीशन के एतबार से, सूरत हाल के एतबार से, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, मगर पढ़ना जरूरी है, नमाज ऐसा वाजिब है। अब बुजुर्ग आने मोहतरम जो जल रहा है उस पर भी नमाज वाजिब, तो जो जलने वाला है वो ना क्याम कर सकता है, न कौद, न तशहुद, न सलाम, फिर क्या करेगा। इसी तरह जो डूब रहा है उस पर भी नमाज वाजिब है, नमाज का वक्त हो गया है, मगर वो क्या करे, न क्याम कर सकता है, न रुकू, न सजदा। इसी तरह जो मैदान जंग में वो चूंकि जंग कर रहा हम लोग का जवाब दे रहा, इसलिए वो न क्याम कर सकता है न कहू। तो शरीयत ने बनामे नमाज खौफ एक आसानी पैदा की है कि इन नाजुक सूरत हाल में एक तकबीर अल्लाह अकबर की कह दो, यही एक रकात के बराबर है। सुने ना, देखें कि मैं जैसे वाली सुनता आपको सुना रहा है कि नमाज खौफ के नाम पर मजबूरी में अगर कोई रुकू और सजदा नहीं कर सकता, जैसे डूबने वाला, चलने वाला या जिसका दम निकल रहा है, या मैदान जंग में कयाम और कऊद नहीं हो सकता, तो शरीयत ने ये शरीयत, शरीयत सहला, इसका नाम ही सहल शरीयत है, उसने ये मुतबादिल रखा है कि तुम खलूस से अल्लाह अकबर कह दो, ये एक रकात के बराबर है। करबला के बन में जब देखिए तकबीर यानी अल्लाह अकबर फतोह सफर के नाम पर भी होती है, जिहादाना भी तकबीर होती है, और नमाज की अदायगी की भी तकबीर होती है। जब हबीब इब्न मजाहिर करबला में हमला कर रहे थे और 62 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया, तो बुलंद आवाज से कह रहे थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब खुदा जाने ये जिहाद वाली तकबीर है। अल अजल, अल अजल।
अभी ईमाना तो जल्दी आना, अभी ईमाना तो जल्दी आना। और वो पूरी तफसीलात मुझे नहीं पेश करना है कि कैसे हुसैन ने हलक दिया और कैसे हबीब को कोविड मिला और कैसे उन्होंने जौजा से गुफ्तगू की और कैसे आए हैं। लेकिन हाँ अदाकारों जब हबीब आए हैं करबला के बन में कूफे से तो सारे हुसैन में खुशी का माहौल था कि हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब आए। तो शहजादी ज़ैनब ने देखा कि एक अजीब माहौल है और सबके चेहरे अचानक शगुफ्ता हो गए। तो ज़ैनब ने कहा भैया क्या बात, कहा मेरे बचपन का दोस्त हबीब आया। तो शहजादी ज़ैनब ने किसी के जरिए हबीब इब्ने मज़ाहिर तक सलाम का पैगाम पहुंचाया और उसने जब हबीब इब्ने मज़ाहिर को सलाम का पैगाम पहुंचाया है तो जनाबे हबीब ने वही कुछ हाथ थी उसे सर पर रखा मला और मुंह पर तमाचे मारे और खानदान ज़हरा पर क्या हुर्मत आ गई कि हम गुलामों को शहजादियां सलाम दे। परवरदिगार रोने वालों पर अपनी बरकत में बरकत नाज़िल फरमा। तो मैं इस तमाम हुआ चाहती है तो चाहे तो दीजिए मैं। और फिर ये खत था जो हबीब को मिला करबला में आए। हबीब इब्ने मज़ाहिर में तो यूं ही जोश शजाअत था मगर मुस्लिम बिन औसला के एक जुमले में हबीब इब्ने मज़ाहिर का जोश शजाअत जोशो जज्बे जिहाद दो चंद कर दिया। वो ये था कि जब मुस्लिम बिन औसला घोड़े से गिरे हैं तो हुसैन ने हबीब ही को साथ लिया। मेरे बचपन के दोस्त अभी मुस्लिम बिन औसला घोड़े से गिरे हैं और मुझे आवाज दी आता मैं घोड़े से गिर गया चलो मेरे साथ मक्तन में। तो हबीब इब्ने मज़ाहिर आए थे हुसैन के साथ और मुस्लिम बिन औसला मौत का पसीना पेशानी पर आ चुका है। मुस्लिम बिन औसला की पेशानी पर मौत का पसीना आ चुका है। तो ये सवाल हुसैन ने नहीं किया, ये सवाल हबीब ने किया। ए भाई मुस्लिम बिन औसला मैं तुम्हारी पेशानी को मौत का पसीना देख रहा हूं तो तुम्हें अपनी सवारी के लिए कोई वसीयत करना का नहीं हबीब का। अच्छा बेटे के लिए कोई वसीयत का नहीं हबीब का। अच्छा सौजा के लिए कोई वसीयत का नहीं हबीब कभी कोई वसीयत। और एक मरतबा खून आलूद हाथ मुस्लिम बिन औसला ने उठाया और हुसैन की तरफ इशारा करते हुए कहा उसी का बेहाजल करी ए हबीब बस अगर वसीयत है तो इतनी वसीयत है कि इस गरीब हुसैन का ख्याल रखना नुसरत में कहीं कोई कोताही ना बने भाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह आखिरी भितरे अल्लाह डालो ए हबीब इब्ने मज़ाहिर का किरदार और फिर अल्लाह डालो। वो मरहला आया था कि जब खुद हबीब मक्तल में आए थे 82 दुश्मनों को वहां से ले जहन्नम किया और जब घोड़े से हबीब इब्ने मज़ाहिर गिरे हैं आवाज दी आखा घोड़े से गिर रहा हुसैन चले। हजादारों जब हुसैन आए हैं हबीब के पास तो हबीब तड़प रहे थे मौला आप आ गए मेरे करीम आका आप आ गए मेरे बचपन के दोस्त आप आ गए। मौत का पसीना परेशानी पर है हबीब की। अजादारों आपको मालूम है कि जब मौत का पसीना पेशानी पर आ जाए तो इंसान की क्या कैफियत होती है मगर वो सारी कैफियतें बदल गई एक मुस्कुराहट में। हबीब के लबों पर मुस्कुराहट आई। हुसैन ने कहा मेरे बचपन के दोस्त ये मुस्कुराहट की वजह का क्यों ना मुस्कुराऊं आपके बाबा अली जाने कौशल लिए मेरे सराहन आए अभी मेरे पास जल्दी आओ तुम बहुत प्यासे हो आओ मैं जामे कौशल से शराब करूं। लो अदादारों हुसैन के सामने दोस्त का दम निकल गया
अदादारों एक जुमला कहा, ये जुमला बड़ा हसरत भरा है। हुसैन ने हबीब की लाश पर एक जुमला कहा, मेरे दोस्त तुम भी हुसैन का साथ छोड़कर चले गए। और अदादारों फिर हुसैन हबीब की लाश मक्तल से खैमे में ले आए। जबरदस्त मातम हुआ और होने वालों हबीब का सर भी काटा गया था, नोके नैजा पर बदन किया गया था। लेकिन जब कूफे का बाजार आया तो हसीन इब्ने नमीर ने हबीब का सर नोके नैजा से उतार के अब्बास के सर की तरह घोड़े की गर्दन में लटका दिया। अदादारों कूफे के बाजार में हबीब इब्ने मजाहिर का बेटा कासिम बिन हबीब भी आया था। उसने देखा मेरे बाबा का सर घोड़े की गर्दन में लटक रहा है। अदादारों रोते हुए कहा, ये सर मुझे दे दे। हसीन इब्ने नमीर का ईश्वर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? का ये मेरा बाबा है, ये मेरे वालिद है, का सर नहीं मिल सकता। कासिम बिन हबीब रोने लगे, हाय बाबा तुम्हारा कटा हुआ सर मैं दे देता। हाय मैयती हो गया तुम्हारा सर दम न गया। मजलिस में सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है, इसलिए कि हर जना आमीन कहने वाले से बात हो गई। मजलिस में दुआ पर आमीन फातिमा जहरा कहती है, और जब फातिमा जहरा दुआ कहते आमीन तो इंशाल्लाह हमारी दुआ कबूल है। परवरदिगार सबसे बड़ी दुआ है, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी तौबा को कबूल करो। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला और आजिला करो। जो मोमिनीन मोमिनात में दाखिल हो चुके उनकी माफरत फरमा। वतन की सरजमीन पर अपनी बरकतें रहमतें नेमतें करामतें नाज़िल करो। मनमुदा अख्तर मरहूमा जिनकी मिसाल इस्लाम की मजलिस, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके घर वालों को इससे ज़्यादा ईसा सवाब करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह की वास्तों से हमारे महाराजा कराम की शब अदा से हिफाजत फरमा। मेरे करीम परवरदिगार फिलिस्तीन की हिफाजत करते हुए इसराइल को मसबूल असबाब कोई सबक पैदा कर दे ताकि वह नीस तो नाबूद हो जाए। या करीम या रहीम परवरदिगार इन्हीं वास्तों के सत्ते से हम सबको गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा से बचते हुए वाजिबात पाबंद करने की तौफीक अता फरमा। एक सबसे बड़ी दुआ ये भी है परवरदिगार, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम करते रहने के लिए तमाम नवा खान, मरसिया खान, साहिब बयाज और जाकरीन और खुतबा को और मुझे भी सेहत व सलामती अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताखीर अता फरमा, हमारा शुमार उनके अलावा अनसार में फरमा। सूरह हम और तीन मरतबा सूरह तौहीद की तलावत फरमा कर महबूब अख्तर मरहूमा की रूह को भी शांत फरमा।